इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेवी के 9 वॉरशिप्स और फ्रिगेट्स इस वक्त ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं। विदेशों से मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन टैंकर्स लाए जा रहे हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हमारी शिप्स जाते हैं, सप्लाई लेकर आते हैं, ये काम कैसे होता है, ये कितना चैलेंजिंग काम है। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन प्रशांत हांडू हैं, जो कि INS कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर है। कैप्टन प्रशांत हांडू अपनी शिप के साथ इस वक्त मैंगलोर पोर्ट पर हैं। वो कतर और कुवैत से लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर लेकर आए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि नेवी इस मुश्किल वक्त में कैसे देश की सेवा कर रही है। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कुछ बातें मैंने बताई हैं, आपसे जानना चाहते हैं सर, समुद्र सेतु 2 इस ऑपरेशन के तहत कैसे इंडियन नेवी लोगों की मदद कर रही है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने बोला, समुद्र सेतु 2 में इंडियन नेवी के 9 जहाज देश के लिए ऑक्सीजन वापस ला रहे हैं विदेश से। दिस इज टू सपोर्ट दी फाइट अगेंस्ट दी कोविड पैंडेमिक। आज हमारा जहाज यहाँ बैंगलोर में आया है और हमने कुवैत और बहरीन से और कतर से जो ऑक्सीजन आया है उसको हमने यहाँ डिसएम्बार्क किया। कैप्टन साहब, आप लोग ये जो शिप्स हैं, ये डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए बनी है या दुश्मन से पर हमला करने के लिए बनी है, इनमें कार्गो शिप्स जैसे सामान को लाना ये कैसे हो पाता है, कितना चैलेंजिंग काम है ये? ये तो जो आपने बोला, ये तो नेवी का एक प्राइम एसेट है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे जहाज अभी इंडियन ओशन में एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज वरुणा विद द फ्रेंच नेवी। काफी जहाज हमारे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होने वाला था, हमको आदेश मिला कि अभी देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी है एंड जो नेवी का प्राइम फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा ये हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए हमने अपने हेलीकॉप्टर डेक पे इतना सारा ऑक्सीजन लोड करके लाया है। खुद इस जहाज कोलकाता ने अराउंड 60 टन्स ऑफ LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और नियरली 400 बॉटल ऑक्सीजन हेलो डेक पे, हेलीकॉप्टर डेक पे, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है जहाज के, उस पे हम उठा के लाए हैं। तो इट इज दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स दैट हैज एनेबल्ड अस टू कैरी आउट दिस मिशन। ये हमने सुना है कि बहुत सारे आपके शिप पर ऐसे लोग हैं जो महीनों से शिप के अंदर ही हैं, और पैंडेमिक काल में जब खतरा है संक्रमण का, ऐसे में समंदर के बीच एक शिप में रहना, तो क्या वहां भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है? जी, शिप का एनवायरनमेंट वैसे ही बड़ा क्लोज एनवायरनमेंट है। हम देश का एक छोटा सा अंग जैसे हैं, देश के हर जगह से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं जहाज के अंदर। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एट सी एंड हम अपने मिशन पे फोकस्ड रहते हैं। That helps us to keep our coastline safe, our country's maritime security safe, and also fight the COVID pandemic as is the case now. Corona में जैसे आम लोगों के लिए restrictions लगे हुए हैं, हम सब जानते हैं COVID protocol क्या है, फौज के लिए, खासकर नेवी के लिए, क्योंकि आपने बताया आप confined environment में रहते हैं, एक ship में रहते हैं, तो कैसे manage करते हैं और क्या आप लोगों का क्या protocol होता है? जी, हम लोगों ने भी पिछले साल से, जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है दुनिया में, आपको पता है कि मैक्सिमम नेवी के जहाज इफेक्ट हुए हैं, बट हमने एज इंडियन नेवी काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इमिडिएटली हमने डिप्लॉय किए थे एंड पिछले एक साल से हमारे शिप्स ऑपरेशनल, फुल्ली कॉम्बैट कैपेबल और मिशन डिप्लॉयड है विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ कोविड। इवन टुडे हमारे जहाज के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड। जैसे आप देख रहे हैं, हम सब ने मास्क पहने हुए हैं एंड स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रोटोकॉल्स, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स एंड अदर प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं ताकि ये डिजीज हमारे शिप्स पे नहीं आए और हम देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। जी सर, एक बात आपसे और समझना चाहते हैं कि जैसे हमने देखा कि हमारी वायुसेना को भी इस काम में लगाया गया कि विदेश से जरूरत का सामान लाया जाए, या दूसरे देशों के जहाज भी आ रहे हैं। एक शिप जब जाती है सामान लेने के लिए और एक जहाज जब भेजा जाता है, मैं समझना चाहता हूं कि क्वांटिटी का कितना अंतर है, आपकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक जहाज की क्या कैपेसिटी होगी? जहां तक मुझे पता है, जैसे हम लिक्विड ऑक्सीजन ला रहे हैं
लिक्विड ऑक्सीजन इज इन कंप्रेस फॉर्म थोड़ा डेंजरस होता है, तो उसको एनक्लोज स्पेस में रख नहीं सकते हैं। तो हमारे शिप्स का यूनिकनेस है कि हम लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंक्स एंड जो बॉटल्स हैं उनको हम अपने ओपन डेक पे लाते हैं, तो वी आर गेटिंग बैक फिल्ड भरा हुआ ऑक्सीजन। जैसे जो ऑक्सीजन आज हमने उतारा है, इमीडिएटली इट कैन बी टेकन टू अ हॉस्पिटल एंड इट कैन बी प्लग्ड इन टू द लोकल हॉस्पिटल सप्लाई नेटवर्क। जो बाकी जहाज हैं जिसमें ऑक्सीजन लाया जाता है, दे आर आई थिंक एनक्लोज, तो उसमें सिर्फ आप खाली कंटेनर ला सकते हैं। हमारा आई थिंक यूनिकनेस है कि हम भरा हुआ ऑक्सीजन के कंटेनर्स एंड टैंक्स ला रहे हैं जो इंस्टेंटली सप्लाई हो सकते हैं हमारे सिटीजन्स को। दूसरा, ये जो कंटेनर्स हम ला रहे हैं बड़े ऑक्सीजन के, इनमें रीयूज का स्कोप भी बहुत हाई है। आफ्टर द ऑक्सीजन हैज बीन यूज, द सेम कंटेनर कैन बी यूज अगेन फॉर रीसप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर सिटीजन्स। सर, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार आपके साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो सबके परिजन हैं, सबके परिवार हैं, यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए चिंता कर रहा है, तो उनको भी फिक्र होती होगी अपनों की। कैसे आप लोग टच में रहने की कोशिश करते हैं या मोराल कैसे हाई रखते हैं अपने जवानों का? जी, जब हमने फौज या नौसेना ज्वाइन किया था तो हमने तो प्रतिज्ञा ली है कि सबसे पहले देश होगा, उसके बाद हमारा फैमिली होगा, उसके बाद हम होंगे। तो इसी प्लेज को याद रखते हुए हम देश के सेवा में आगे जुटे हुए हैं। जितने बार भी और हमको जाना पड़े ऑक्सीजन लाने के लिए हमारे सिटीजन्स के लिए, हम तैयार हैं। हमारे फैमिलीज समझते हैं कि हम देश के नाम पे कर रहे हैं ये काम, एंड वी विल ऑलवेज बी एट द फोरफ्रंट ऑफ द नेशंस नेशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। थैंक यू कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। पूरे देश की तरफ से हम आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया। थैंक यू फ्रॉम इंडियन नेवी एंड फ्रॉम द शिप कोलकाता एंड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्लीट, आई थैंक इंडिया टीवी फॉर दिस ऑपर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।